हेलो एवरीवन, आज की हमारी कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर। यह कविता श्री केदारनाथ जी अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में वह चंद्र गहना नाम के स्थान से वापस आ रहे हैं। चंद्र गहना एक गांव का नाम है जहां से वह लौट कर आ रहे हैं और रास्ते में वह एक खेत की दीवार पर मेड़ पर बैठ कर के यह कविता लिखते हैं। इस कविता में उन्होंने ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक सुंदरता जो है, वहाँ की प्रकृति जो है, कवि के मन को इतना प्रसन्न कर देती है कि उसे वहाँ के हर चीज़ में, हर वस्तु में एक प्रकृति का प्रेम नज़र आने लग जाता है। और वह कहती हैं, मैं चंद्र गहना स्थान देख करके आया हूँ और अब मैं इस खेत की मेड़ पर अकेला बैठ करके एक चने का हरा पौधा देख रहा हूँ। चने का छोटा सा हरा सा ठिगना सा पौधा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। वह ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने सिर पर साफा बांध लिया हो, मुरैठा यानी साफा बांध लिया हो, और एक छोटा गुलाबी फूल उस पर उगाया है। उसके कारण वह एक सजीले युवक की तरह दिखाई दे रहा है। उसके पास ही में एक अलसी का पौधा भी उगाया है। अलसी का जो पौधा होता है वह बहुत ही दुबला पतला सा लचीला सा होता है, इसलिए कवि यह कहता है कि उसकी देह पतली है और कमर लचीली है। अलसी का नीला फूल होता है जिसे वह अपने सिर पर रख कर कह रहा है कि जो छुए यह दू हृदय का दान उसको, यानी कि जो यह फूल छुएगा उसे मैं अपने हृदय का दान करूँगी। यहाँ पर चने का और अलसी का दोनों का मानवीयकरण कवि ने किया है। मानवीयकरण यानी मनुष्य की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि राजकुमार यानी एक युवक से चने की तुलना की है और एक युवती से अलसी की तुलना की है। अन्य पंक्तियों में वह कहता है, और इस सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। सरसों का जो पौधा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए कवि ने उसे सयानी कहा है और ये कहा है कि उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले करना यानी अपने हाथों को मेहंदी से रचा लिया है और वह ब्याह मंडप में आई है। ब्याह मंडप होता है जो शादी का मंडप है, वह टेंट हाउस जो होता है शादी का, उसमें वह आई हुई सी लग रही है। और फाल्गुन का महीना जो है वो ऐसे लग रहा है कि गीत गा रहा हो, गाना गा रहा हो। और कवि को ऐसा लग रहा है कि सरसों का स्वयंवर हो रहा है, यानी अपने वर की वो यहाँ पर चुनाव करेंगी, ऐसा माहौल बन रहा है जिसके कारण प्रकृति का अनुराग आंचल हिलता हुआ सा नज़र आ रहा है। और यह स्थान एक प्राकृतिक जो स्थान है वह शहरी वातावरण से बिल्कुल दूर है और यहाँ पर प्रकृति ने अपने सौंदर्य का आंचल फैला रखा है। कवि को ऐसा लगता है कि सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और उसके ऊपर पीले रंग के फूल खिल गए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वह ब्याह के मंडप में पधार गई है। सरसों की तुलना भी एक युवा होती लड़की से की गई है जिसकी शादी है और उसने अपने हाथ पीले कर रखे हैं। अन्य पंक्तियों में वह कहता है, और पैरों के तले है एक पोखर, कि उसके पैरों के पास ही एक तालाब है जिसमें छोटी छोटी सी लहरें आ रही हैं और भूरे रंग की घास भी उगी हुई है। पानी के साथ साथ वह लहरें हिल रही हैं और पानी में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यानी सूर्य की जो छाया है वह एक गोल खंभे के समान लग रही है और उसके कारण कवि की आंखों में थोड़ी चमक आ गई है, चुंधिया गई हैं, यानी उसे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तालाब के पास ही कुछ पत्थर रखे हुए हैं और पत्थरों को देखकर उसे लगता है कि वे चुपचाप पानी पी रहे हों। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, यानी कि ऐसा लग रहा है पत्थर पड़े पड़े चुपचाप पानी पी रहे हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में देखते ही मीन चंचल। एक बगुला जो है वो अपनी पानी में टांग डुबा करके खड़ा है और जैसे ही उसे कोई मछली दिखाई देती है
अपनी ध्यान निद्रा को छोड़ करके चट से उसे अपनी चोंच में पकड़ लेता है और गले के भीतर उतार लेता है, यानी खा लेता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया। और तभी एक काले माथे की चतुर चिड़िया वहाँ आती है और उसके सफ़ेद पंख हैं, और पानी में एक मछली देख करके उसे अपने पीली चोंच में दबा करके आकाश में उड़ जाती है। गगन का मीनिंग यहाँ पर आकाश है। नील तल, इसमें अनुप्रास अलंकार है और साथ ही प्रकृति का मनोरम चित्रण अत्यंत मनोरम तरीके से कवि ने किया है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। पास ही जो है रेल की पटरी कवि को दिखाई दे रही है, जहाँ पर चित्रकूट की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ फैली हुई दिखाई दे रही हैं। उन पहाड़ियों की ज़मीन बंजर है और उस पर कांटेदार रीवा के कुछ कुरूप से पेड़, यानी जो बहुत सुंदर नहीं है, भद्दा रूप जिनका है, ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पर लोगों का अत्यंत आना जाना नहीं है और गाड़ियाँ भी बहुत कम आ रही हैं, इसलिए कवि कहता है कि वह अपने आप को स्वतंत्र अनुभव कर रहा है और उसे अभी कहीं भी जाना नहीं है। अन्य पंक्तियों में सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सूखी का स्वर। अब उसे एक तोते का स्वर सुनाई पड़ता है। वनस्थली का हृदय चीरता, यानी कि प्रकृति जो है, वन जो है, उसका हृदय चीरता हुआ उसे एक तोते का स्वर सुनाई देता है। साथ ही उसे सारस का स्वर भी सुनाई देता है और उसे आवाज़ सुन करके ऐसा लगता है कि वह भी इन स्वरों के साथ आकाश में उड़ जाए। उड़ जाऊँ मैं पर फैलाए सारस के संग, यानी जो उसे सारस दिखाई दे रहा है, उड़ता हुआ सारस देख करके वह कहता है कि आज उसका भी उनके साथ उड़ने का मन कर रहा है। और सारस की जंगल में जुगल जोड़ी रहती है, यानी दो सारस जो हैं, सारस की जोड़ी को देखने का मन कवि का होता है। और क्यों कहता है वो ऐसा? क्योंकि वह चाहता है कि उनकी प्रेम कहानी को वह चुपचाप सुन सके। और इस प्रकार से दोनों प्रकार के, तीनों प्रकार के पक्षियों का वर्णन वह अपनी इस कविता में करता है।